यस गुड मॉर्निंग 9th B बेटा, आपका अंडे की काट टुकड़ी करनी है, ठीक है। उसके बाद विच इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी भी है थोड़ी, सो वो भी आज तक मेनू भेजो, राइट। कल मैं किसी दी एक्सेप्ट नहीं करनी, मैं सीधा जीरो नंबर लगाना, ठीक है। हार्डली 1 or 2 minutes ही भेजनी है तुसी, 1 minute दी, उनु इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। सो नोटबुक निकालो, अंडे की काट टुकड़ी, कीर्ति कामे ते दृष्टि सदा वड्डे नेक्स्ट लाइन इना विच बी करता करतार वस्ता कित करता रूप करतार बंदी ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਸਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। कितनी कौन होते हैं मेहनती कामे काम करने वाले गृहस्थी घरेलू जीवन की क्या गया है विच कितने दी महानता बारे दस्या गया है इना विच ही करता करतार वस्ता करतार गुड ਕਿਰਤ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਬਣਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 8th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਡਨ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ MCQs ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਵਾਂਗੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ठीक है। सो कीर्ति दी ने कितनी कीर्ति दी लिखी है, कीर्ति तो जरा मेहनत करने वाला है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, परमात्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस विच किस दी महानता नु दस्या गया है, ऑलमोस्ट सेम, किस दी महानता नु दस्या गया है, महानता है कितनी, कितनी महानता, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का आंसर जेड़ा है सेम है। लिखो किर्त करन वाले विच कौन बसता है, किर्त करन वाले विच कौन बसता है, कवि ने बड़े किना नु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बड़े किना नु, हां जी हां जी हां जी, किना नु कहा है, ठीक है। ऑप्शन विच पहली ऑप्शन हो सकती है कीर्ति, कामे, गृहस्थी, तो चौथी सारे ही। कवि ने किना नु वड्डे किया है, यस अश्मित मैम, थर्ड के ऑप्शंस क्या है, थर्ड क्वेश्चन केड़ा सी, हम कीर्त करने वाले विच कौन बसता है, कौन बसता है, ओके। ऑप्शन से दिया, लिख लो कीर्त करने वाले विच कीर्ति, फर्स्ट ऑप्शन लिख लो अश्मित, कीर्ति, कामा, करतार, ओके, गृहस्थी, ठीक है, करतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, करता करतार किथे बसदा है, सृष्टि विच, हां जी कीर्ति विच, करता करतार किथे बसदा है, हां कीर्ति विच, करता करतार किस विच बसदा है, कीर्ति विच। ऑप्शंस आ सकदियां ने सृष्टि विच, गृहस्थी विच, और एक राइट ऑप्शन ले लो, किसे बिच भी नहीं, ठीक है। सो राइट आंसर इज कीर्ति बिच बसता है। नेक्स्ट, हां जी करतार तो उत्थे बसता ना, जेड़ा किरत करता है, जेड़ा मेहनत करता है ओदे विच रब बसता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लाइन लिखनी है बेटा तुसी ए वाली, कीर्त करता रूप करतार बन दी, ए वाली लाइन लिखो, थर्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच, क्वेश्चन नंबर 6, कीर्त करता रूप करतार बन दी अनुसार, अनुसार कीर्त किसका रूप बन दी है, किर्त करता रूप करतार बनदी अनुसार किर्त किसका रूप बनदी है। ऑप्शंस ने कीर्ति दा, सेकंड काम्या दा, थर्ड परमात्मा दा, फोर्थ सृष्टि दा, परमात्मा दा, परमात्मा या करतार
ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਵਨ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਵਨ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ਲਾਸਟ 8 ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕਿਰਤ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਏ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੁਨਕਰ ਜਦੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਲੱਭਣਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਮਜ਼ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਇਨਕਾਰ ਰਮਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਨੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਕਰ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਮੁਨਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਂ
मैं नहीं साथ होना है समझ लेना। हाँ जी पोएम है लास्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी खालसा पंथ की स्थापना टाइम ठीक है। मेरी होंद है सिद्धांत दे सच अंदर लभना हुए इन्हां चो रमज लेना। ओके ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है राइट। इथे ना खालसा पंथ की गल की हुई है कि उन्होंने ना एक सिखा नू एक उपदेश दिता है कि तुसी जिहड़े अपने असूल ने ठीक है जो रूल्स ने नियम ने उन्हां तो जदों तुसी मुनकर हो गए जदों तुसी मनाही करके उन्होंने ना मन्ने ठीक है मैं नहीं साथ होना है समझ लेना उस टाइम ते गुरु तुहाडे नाल नहीं होएगा ठीक है। मेरी होंद है सिद्धांत दे सच अंदर जेडे मेरे सिद्धांत ने जेडे मेरी लाइफ दे कोई प्रिंसिपल्स ने उन्हां अंदर ही देखो साडी होंद कित्थे हुंदी है होंद किहनू कहिंदे आ असीं हुण इत्थे इस टाइम ते होंद है मतलब जो बंदा उस टाइम ते मौजूद है ठीक है ओह हुण हुण सिक्खी दी होंद कित्थे है सच अंदर ही है ठीक है ते लभना होए ना चरमज लैणा ते जे मैं मतलब के वो कह रहे ने कि जे मैं किते सिक्खी दी जो आपां असूलां नूं कायम नहीं कर सकदे जे वो किते गवाच गई जे असूल किते तुहानू ना मिले किते तुहानू मिलणगे इन्हां विचों ही सिद्धांतां विचों ही ठीक है जो गुरुआं ने उपदेश दित्ते ने सानू सच दे उन्हां विचों ही सानू किते ना किते गुरुआं दा छलकारा मिलदा कि उन्होंने सानू ये वाले उपदेश दित्ते ने ठीक है। सो मुनकर मतलब मनाही राइट रम्स मतलब रम्स रम्स सेत हो गए या समझ लेना ठीक है बाकी तो एनी टफ मीनिंग नहीं है। क्वेश्चंस लिखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन गुरुजी ने फर्स्ट क्वेश्चन गुरुजी ने कहना नू गुरुजी ने कहना नू अपने उसूलां दी उलंघना करन तो रोकिया है उलंघना उलंघना की हुंदा है विरोध विरोध किसी चीज नू पार करना हद पार करनी। गुरुजी ने कहना नू अपने असूलां दी उलंघना करन तो रोकिया है ऑप्शंस देख लो एक बारी ठीक है चेलियां नू खालसा पंथ नू खालस सिंघां नू या कोई भी नहीं खालसा पंथ नू गुरु जी ने कहना नू अपने असूलां दी उलंघना करन तो रोकिया है खालसा पंथ नू डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जदों पंथ असूलां तो मुनकर होया तां जदों पंथ असूलां तो मुनकर होया तां किसने साथ नहीं देना ऑप्शंस दे अकॉर्डिंगली देख लो जी संगत ने गुरु जी ने सिंघा ने गुरु जी ने जदों पंथ असूलां तो मुनकर हो गया तां किसने साथ नहीं देना गुरु जी ने डन। कोई भी नहीं आंसर गुरु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु जी थर्ड क्वेश्चन गुरु जी अपनी होंद किस दे विच होण दी गल करदे ने गुरु जी अपनी होंद
किस दे विच होण दी गल करदे ने, सच दे सिद्धांत अंदर। ऑप्शंस सुन लो बेटा एक बारी। सिद्धांतां विच, असूलां विच, सच दे सिद्धांतां विच या खालसे दे असूलां विच? सच दे सिद्धांतां विच। तुसी अपनी लैंग्वेज लिखना होंदा बेटा इनू, फिर अगर सब्जेक्टिव आंदा है तो। डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लाइन लास्ट वाली लिख के लबड़ा हो एना चो रम्स लेना, तुक विच रम्स लेना दा की अर्थ है? एदा लिख लो, रम्स लेना दा की अर्थ है? ठीक है, रम्स लेना। ऑप्शंस, रहस्य लबना, भेद दा पता ना लगना, कहे अनुसार चलना या कोई भी नहीं? रहस्य, रहस्य लबना, सेकंड भेद दा पता ना लगना, हाँ रहस्य लबना, रहस्य, रहस्य या भेद। ठीक है, रहस्य या भेद लबना। डन। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, गुरु जी इंसाना नू की संदेश दिंदे हन? गुरु जी सिखा नू, इंसाना नू या सिखा नू की संदेश दिंदे हन? असूला ते पक्के रहो, इसका संदेश। गुरु जी सिखा नू या इंसाना नू किस दा संदेश दिंदे ने? असूला ते पक्के रहन दा संदेश। ठीक है, डन। ऑल स्टूडेंट्स डन बेटा।